डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज की इस वीडियो सीरीज़ में अभी तक आप लोगों ने 7 वीडियोस देखे और आपने पढ़ी वो 7 प्रकार की सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉजेज। अगर आप लोगों ने अभी तक उन क्लॉजेज को नहीं पढ़ा, नहीं देखा है, तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को 1 by 1 करके देखिए। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन। आज हम इसमें जानेंगे कि सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन क्या होती है, वो कितने प्रकार की होती है, और उसको बनाने वाले मीन्स उस क्लॉज से पहले यूज़ किए जाने वाले वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर सच कहूँ तो ये डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक बिग टॉपिक है और इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से आपको पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, जो नियर फ्यूचर में मैं आपको बना करके ज़रूर दूंगा। चलिए आज इंट्रोडक्टरी मीन्स थोड़ा सा परिचयात्मक रूप से हम उस सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन को पढ़ते हैं जिसमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि ये जो सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन होती है ये 2 प्रकार की होती है। जी हाँ, एक को हम कहते हैं सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ओके, और दूसरी को हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ मैनर। जी हाँ, एक कंपैरिजन क्लॉज ऐसी होती है जिसमें हम मात्रा, डिग्री माने मात्रा की बात करते हैं, और दूसरे में हम तरीके की बात करते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन ऑफ डिग्री। ओके, तो ज़रा उनको पढ़ने से पहले, जानने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पर जाननी और समझनी ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं वो कौन से सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिनका यूज़ करके हम किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सबॉर्डिनेटिंग एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन का निर्माण करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक सेट है एज एज सो एज, ये रिलेटिव एडवर्ब्स हैं और इन एडवर्ब्स का प्रयोग करके हम किसी एक सबॉर्डिनेट क्लॉज को सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन के रूप में यूज कर सकते हैं। और दूसरा है एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैन। जी हाँ, तो ये एक सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और इन कंजंक्शंस का प्रयोग करके हम वास्तव में क्या बनाते हैं, कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज बनाते हैं। ओके, अर्थात हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉलेज लेने जा रहे हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की। ओके, तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इनका प्रयोग करके जब हम कभी किसी 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, सपोज यहाँ पर 2 सेंटेंसेस रखे हुए हैं, ये 2 सेंटेंसेस के सेट्स हैं, और अगर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए अगर हम इनमें से किसी का यूज करेंगे तो वो सारी की सारी डिग्रीज को शो करेंगी। ओके, और जब हम कंपैरिजन ऑफ मैनर की बात करते हैं तो वहां पर एक कंजंक्शन का यूज करते हैं और वो होता है एज। ओके, उसके बारे में हम जरा बाद में बात करते हैं। अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुआ तो हम यही इसी वीडियो में कंपैरिजन ऑफ मैनर को भी पढ़ लेंगे। अगर ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो हम इसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ज़रा देखते हैं कि इनका प्रयोग हम कहाँ और कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब एज एज का प्रयोग करते हैं तो ये पॉजिटिव डिग्री का निर्माण करता है। जी हाँ, उसको हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, एज एज या सो एज। ओके, कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको लेकर के, मैं उन्हें भी बता देना चाहता हूँ, आप अपने दिमाग में उसको स्टोर कर लीजिए। एज और एज के बीच में या तो एडजेक्टिव आता है और या तो एडवर्ब आता है। ओके, यहाँ पर सो और एज के बीच में भी दिया हुआ एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है। ओके, ये जो दिए हुए एडजेक्टिव और एडवर्ब्स हैं इनके भी 3 रूप होते हैं। पहले रूप को हम पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, दूसरे रूप को हम कंपेरेटिव डिग्री बोलते हैं, और तीसरे स्वरूप को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। ओके, तो आज हम सुपरलेटिव डिग्री की बात ही नहीं करेंगे, इनफैक्ट केवल आज पॉजिटिव डिग्री और कंपेरेटिव डिग्री की बात करेंगे। और जब हम डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को एज ए होल पढ़ेंगे तब हम वहाँ पर तीनों डिग्रीज को प्रॉपरली पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए ज़रा, और देन का यूज़ करते हैं हम कंपेरेटिव डिग्री में, और इससे पहले मोर का प्रयोग हो जाता है या फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब जो भी होगा उसकी दूसरी अवस्था क्या होती है। आपने देखा होगा कि एडवर्ब और एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो 3 अवस्थाओं में होते हैं, जैसे गुड। अब अगर इसी से पहले हम लगा देते हैं एज गुड एज या सो गुड एज, तो ये क्या हो गया, एज एज के बीच में गुड हो गया। ओके, तो ये हो गई पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर हम इसी को क्या करते हैं, बेटर, गुड, गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, और उसके बाद हम इस दैन नामक इस कंजंक्शन का यूज़ करते हैं तो ये बन जाती है कंपेरेटिव डिग्री। तो कुल मिलाकर आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं
पॉजिटिव डिग्री का यूज और कंपेरेटिव डिग्री का यूज, और इनका प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बना लेते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, उन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं ठीक से और फिर ये समझते हैं कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से और कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो सेंटेंसेस के सेट्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रामा रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। नो वन कैन रन सो फास्ट, और उतना तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ओके, अब अगर इन दोनों ही सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें कंपैरेटिव बातें कही गई हैं। राम के दौड़ने की तुलना किसी सभी लोगों के दौड़ने से की गई है। जी हाँ, तो यहाँ पर जब कभी भी ऐसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स रखे हों तो जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इस प्रकार के सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की ज़रूरत होती है जो तुलना प्रकट करते हैं। जी हाँ, तो ये तुलना प्रकट करने वाले कंजंक्शंस हैं। ओके, अब इनका प्रयोग हम इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम इनमें से इन सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, लेकिन एक बात और भी बतला देते हैं आपको, जब हम एज का प्रयोग करते हैं तो अफर्मेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सेंटेंसेस के लिए करते हैं, बट जब कभी हम सो एज का प्रयोग करते हैं तो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए करते हैं। अगर उनमें से कोई सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर हम क्या करेंगे, सो का यूज़ करेंगे और एज का प्रयोग करेंगे। चलिए जरा पहले जो दो सेट्स हैं उनको जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। नो वन कैन रन सो फास्ट, और कोई दूसरा उतना तेज नहीं दौड़ सकता। तो जी हाँ, यहाँ पर किसकी किसकी तुलना की गई है, राम और अन्य सभी से, यानी जितने भी लोग हैं उनसे तुलना की गई है दौड़ने पर। जी हाँ, और दौड़ने के फास्ट, जी हाँ, ये फास्ट ही या तो ये एडजेक्टिव होता है और या तो ये एडवर्ब होता है। यहाँ पर ये फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ओके, क्योंकि ये किसकी किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये रन को मॉडिफाई कर रहा है। ओके, दौड़ने को, दौड़ना हो रहा है, कैसा दौड़ना हो रहा है, तेज दौड़ना। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब इसी एडवर्ब को हम यहाँ पर रख सकते हैं एज के बीच में, या फिर हम कंपेरेटिव डिग्री का जब यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर दैन का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए दोनों प्रकार से करके देख लें। तो चलिए सबसे पहले इन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। जोड़ने के लिए हम पहले एज का यूज़ करते हैं और फिर इसके बाद दैन का यूज़ करते हैं। और इन दोनों को जोड़ने से पहले आपको हिंदी में उस सेंटेंस को अपने दिमाग में रख लेना चाहिए, और वो सेंटेंस कैसा बनता है, कोई भी उतना तेज़ नहीं दौड़ सकता है जितना कि राम दौड़ता है। ऐसा सेंटेंस अगर आप अपने दिमाग में फ्रेम कर लेते हो तो उसे ट्रांसलेट करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कैसे आप जोड़ सकते हैं, नो वन। तो देखिए जरा इन दोनों ही सेंटेंसेस को आपने किस प्रकार से जोड़ा, आपने जोड़ा नो वन कैन रन, कोई नहीं दौड़ सकता उतना तेज जितना। अब आपने यहाँ पर एज के बीच में उस एडवर्ब को रख दिया है जिसके बीच तुलना हो रही है, जिसको लेकर या जिस बात को लेकर तुलना हो रही है। ओके, और फिर आपने आगे लिख दिया राम डज। जी हाँ, यहाँ पर हमने डज लिखा है। एक्चुअली यहाँ पर जो हो रहा है, एक बार रन को हम मेंशन कर चुके हैं तो फिर इसी रन को मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पर रन्स लिखना पड़ेगा, तो उससे ज़्यादा बेटर हमको लगता है कि हम डज कर देते हैं। ओके, और इसी प्रकार का ये तरीका होता है लिखने का। अब जरा देखते हैं, हम उस समय इस वर्ब को यहाँ पर अंडरस्टूड कर देते हैं, मीन्स छुपा देते हैं, जब इन दोनों ही सेंटेंसेस की वर्ब्स सेम होती हैं। कैसे, अगर यहाँ पर क्या होता, कैन ना होता, नो वन रन्स सो फास्ट, कोई उतना तेज नहीं दौड़ता है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, नो वन रन्स, यहाँ पर हम रन्स लिख देते, नो वन रन्स एज फास्ट एज राम। अब यहाँ पर ये जो रन्स नामक जो वर्ब है ये यहाँ पर लिखी नहीं जाती है आमतौर पर, यानी स्पेशली इस वर्ब को यहाँ पर अंडरस्टूड कर दिया जाता है, अर्थात छुपा दिया जाता है। बट अगर आप चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं और फिर यहाँ पर आप डज, मीन्स कुल मिलाकर के उसी क्रिया को रिपीट नहीं किया जाता, उसके लिए फिर हम इस तरीके की क्रिया का यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने एज का यूज़ किया और पॉजिटिव डिग्री के माध्यम से इस क्लॉज को सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपेरिजन बना दिया, और इस तरह से ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब्स के रूप में आपने यूज़ किया, अब यहाँ पर आप इस कंजंक्शन का यूज़ जब करेंगे तो आपको कंपेरेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी। ओके, तो चलिए कंपेरेटिव डिग्री का निर्माण कैसे करते हैं और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हैं वो तो मैं आपको उन वीडियोज़ में ही बतलाऊँगा जब मैं आपको डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन पढ़ाऊँगा।
लेकिन यहां पर आप इस देन का यूज दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किस प्रकार से कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। कैसे? नो वन रन्स, नो वन रन्स फास्टर। अब क्या करेंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री ले आएंगे, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री ले आते हैं तो प्रायः यहां पर फास्ट के साथ ई आर लग जाता है, फास्टर। अब यहां पर भी एक मेथड है, एक साइंस है कि किन एडजेक्टिव के साथ में आर लगेगा और कौन से ऐसे एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हैं जिनके पहले मोर लगेगा। जी हाँ, तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद में आर लगता है, और बहुत सारे ऐसे एक्चुअली ये क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं मोनोसिलेबिक वर्ड्स, और जितने भी मोनोसिलेबिक वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम ई आर का यूज करते हैं जोड़ उसे कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए, और जितने पॉलीसिलेबिक वर्ड्स होते हैं उनके पहले हम मोर का प्रयोग करते हैं। खैर, मोनोसिलेबिक क्या होता है, पॉलीसिलेबिक क्या होता है, इसको डिटेल में मैं आपको आगे के वीडियोज में जरूर बताऊंगा। तो चलिए, यहां पर हमने फास्टर किया और इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया, और फिर यहां पर हमने एक कंजंक्शन का यूज किया और वो है देन। क्या बन गया? नो वन रन्स फास्टर देन राम। ओके, तो कोई भी उतना सेंटेंस का ये भी मतलब हो गया कि राम से अधिक तेज कोई नहीं दौड़ता है। अब अगर यहां पर हम कैन का यूज कर देते हैं तो यहां पर कैन का यूज कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नो वन कैन रन फास्टर देन राम, कि कोई भी व्यक्ति राम से अधिक तेज नहीं दौड़ सकता है। तो इस तरीके से हम यहां पर देन का यूज भी कर सकते हैं और एज फास्ट एज अर्थात पॉजिटिव डिग्री का भी यूज कर सकते हैं। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, यू मस्ट वर्क हार्डर, तुम्हें और अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए, ऐसा सेंटेंस बोला गया है। ओके, अब अगर ऐसा सेंटेंस बोला गया है और तो क्या हो रहा है यहां पर, मैं तो कठिन परिश्रम करता ही हूं, तुम कम कर रहे हो तो तुम्हें और अधिक करना चाहिए। अगर ऐसा सेंटेंस बोला गया है तो हम यहां पर इन कंजंक्शंस का यूज करके कुछ इस प्रकार से इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं। कैसे? यू मस्ट, अब देखिए यहां पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे जोड़ दिया, हमने यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया और यहां पर हमने देन नामक कंजंक्शन का यूज किया। ओके, और सेंटेंस कुछ ऐसे बना दिया, यू मस्ट वर्क, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए, हमने हार्डर कर दिया देन की तुलना में, मेरी तुलना में तुम्हें अधिक कठिन परिश्रम करना चाहिए, कुछ ऐसा सेंटेंस बनाया। तो ये जो देन आई वर्क, यहां पर जो वर्ब है वो यहां पर अंडरस्टूड है, यहां पर क्या है, वर्क हार्ड यहां पर छुपा हुआ है, ये वाला वर्क हार्ड यहां पर छुपा हुआ है। और प्रायः जब हम कंपेरिज ऑफ डिग्रीज की बात करते हैं, कंपेरिजन ऑफ डिग्रीज की जब हम बात करते हैं तो यहां पर वर्ब को प्रायः हम छुपा देते हैं, बट अगर आप उसको क्लियर करना चाहें तो आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं। जरा थर्ड सेंटेंस को देखते हैं और थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हम उनमें से किसी कंजंक्शन का यूज यहां पर करते हैं। देखिए, ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत ओल्ड है। ओके, ही डज नॉट लुक सो ओल्ड, लेकिन वो उतना ओल्ड दिखता नहीं है। तो इस सेंटेंस को हम किस प्रकार से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं, अगर हम एज का प्रयोग करते हैं तो कैसे, जरा हिंदी में पहले जोड़ करके देखते हैं, और एज का प्रयोग करते हैं या सो एज का प्रयोग करते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव बनता है तो सो एज का प्रयोग करेंगे या एज का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। देखिए जरा, ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत ओल्ड है और वो उतना ओल्ड दिखता नहीं है। तो कितना ओल्ड है और कितना नहीं दिखता है, सिंपली ऐसे आप यूज कर सकते हैं कि वह है जितना बूढ़ा है उतना दिखता नहीं है। ओके, आप इस तरीके से सेंटेंस आप जोड़ सकते हैं। ओके, कैसे सेंटेंस, ही, आप इस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, कैसे, वह उतना बूढ़ा दिखता है नहीं, ही डज नॉट लुक, वह नहीं दिखता है कितना, उतना बूढ़ा। तो आपने यहां पर ओल्ड को रखा सो और एज के बीच में, चूंकि यह सेंटेंस नेगेटिव है। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में आप सो का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो एज का यूज भी कर सकते हैं, और इस तरीके से आप सो एज या एज का प्रयोग करके इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ सकते हैं और सेंटेंस को आप बना सकते हैं सबॉर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ओके, इस तरह से सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अगर आप चाहें देन का यूज करना तो जरा देख लीजिए, देन का यूज आप कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही। तो देखिए जरा, इसको हमने कैसे बना लिया, ही इज ओल्डर, वह अधिक बूढ़ा है, उससे किससे अधिक बूढ़ा, जितना कि वह दिखता है। ओके, तो वह है जितना दिखता है उससे अधिक
बूढ़ा है, इसका भी अर्थ क्लियर हो गया। बट आपने यहां पर क्या किया है, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है और उसके बाद देन नामक कंजंक्शन का आपने यूज किया है। ओके, तो इस प्रकार से आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज कर सकते हैं और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ कंपैरिजन ऑफ मैनर, तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर चीज़ें फिर जल्दी जल्दी होने लगती हैं, तो फिर आपको शायद उतना डिटेल्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए अब मैं आपको कंपैरिजन ऑफ मैनर ये अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो ज़रा लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।